श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार विधायक रहे हैं, वर्तमान में अभी वो आज से पहले तक जब तक उन्होंने बसपा नहीं छोड़ी थी तब तक वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। और जिस तरह से बहन मायावती जी के दो चेहरे हैं, उनकी कथनी और करनी, दलितों के प्रति जो उनका दिखावटी स्वरूप है वो भी उन्होंने नजदीक से देखा, दलितों के नाम पर जिस तरह से वो वसूली करती हैं, टिकटों को बेचने का काम करती हैं, तो तमाम ऐसी जो उनका दिखावटीपन था उससे जब वो एक्सपोज हुई पूरी तरह से, तो स्वामी जी ने तय किया, श्री मौर्य जी ने तय किया कि वो जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, लगातार वहां दलितों का उत्पीड़न होता रहा है, तो उनको जमीन पर महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, श्री अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में जो 15 साल से बंधक लोगों को बना रखा है उनसे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है और मजबूती के साथ भाजपा को आगे लाया जाए और वहां भाजपा की सरकार बने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में। तो उन्होंने तय किया कि भाजपा का वो दामन थामे, उत्तर प्रदेश के हित के लिए वो भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं माननीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करें, भाजपा में अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।